नमस्कार दोस्तों, ईस्टर का त्यौहार आपने तो जरूर सुना होगा। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। वैसे तो गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ही ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है जिस दिन लोगों ने जीसस को मारा था और सूली पर लटकाया था, उस दिन वह 2 दिन के बाद ही जीवित हो उठे थे और उनमें जान वापस आ गई, तो उस दिन को वह खुशी के साथ मनाते हैं। इसी दिन को वह ईस्टर के नाम से मनाते हैं और इस दिन सभी लोग गिरजाघर में इकट्ठे होकर भगवान की उपासना करते हैं और जीसस को उस दिन के लिए बधाई देते हैं। और उस दिन के लिए वह अंडे के आकार की आकृति को वह सजा कर और उसे तैयार कर बनाते हैं। तो जानते हैं आज ईस्टर के त्यौहार के बारे में। ईस्टर का व्रत वैसे 40 दिनों तक चला था और बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इस दिन सभी बाजारों में रंग बिरंगे फूलों से सजा रहता है और अंडों की आकृतियों से सजा रहता है। चॉकलेट हो, खरगोश हो या फिर गत्ते से बनी हुई कोई भी आकृति उसे इस प्रकार से लुभाती है जैसे बच्चा उस चीज़ को देखकर ही मांग लेता है। और इसी कारण से ईस्टर का पर्व बहुत ही शुभ मनाया जाता है। शनिवार के दिन सभी गिरजाघर शांत रहते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं करता। गिरजाघर में घंटियों तक की आवाज़ नहीं आती, लेकिन संडे के दिन घंटियों को खूब बजाया जाता है। घर में मम्मी पापा होते हैं, वह अपने घर में ही अंडों को सजाते हैं। अंडों को सजाने के बाद घर के किसी भी कोने में या फिर बगीचे में उन अंडों को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद बच्चों से कहते हैं कि अगले दिन उन्हें ढूंढे। बच्चे संडे के दिन उन चीज़ों को ढूंढते हैं और जिन्हें जो मिल जाता है वह गिरजाघर में जाकर उन अंडों से ही उन घंटियों का शुभारंभ करते हैं। और संडे के दिन वह घंटियों को खूब जोर जोर से बजाते हैं ताकि वह उस ईस्टर के त्यौहार को अच्छे से मना सके। और जो शनिवार के दिन ये घंटियां गिरजाघर में बंद रहती हैं, इसका मतलब है उन शोक के बारे में रहती हैं, क्योंकि जो जीजस थे उनकी मृत्यु के बाद शोक पूर्ण में परिवर्तित हो गया था। इसी कारण से उस दिन गिरजाघर बिल्कुल शांत रहता है, उस दिन कोई भी आवाज़ नहीं करता और लोग सिर्फ आराधना के लिए ही उसमें गिरजाघर में जाते हैं। इस कारण माना भी जाता है कि आप संडे के दिन गिरजाघर में जाओगे तो घंटियों की आवाज़ आपको दूर से ही सुनाई देने लगेगी। तो ये है ईस्टर का त्यौहार जो ईसाई धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो यह है जीजस के लिए ही सबसे ज्यादा पर्याप्त माना जाता है। सबसे बड़ा पर्व ईसाइयों के लिए यह ईस्टर का त्यौहार ही माना जाता है, क्योंकि उस दिन उनके भगवान यानी कि जीजस उन्हें अपना जीवन दान वापस मिला था। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद उन्हें अपने शरीर में दोबारा से प्राणों की अनुभूति हुई, तो इसी दिन को वह ईस्टर के रूप में मनाते हैं। तो ये है ईस्टर का त्यौहार और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।